नेतागण हैं जो कि कांग्रेस के हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि ये जो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, कहीं कहीं किसानों का कहना ये है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमारे लिए लाभदायी साबित होगा, तो इनका क्या कहना है? आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मोदी जी 2014 में पहली बार चुन के आए थे तो उन्होंने किसानों के खिलाफ क्या फैसला लिया था। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था। और भूमि अधिग्रहण कानून क्या था कि किसान को जमीन के 4 गुना ज़्यादा दाम मिलेगा। निरस्त करने के बाद जब लोग खड़ा हुए, 3 बार ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने, क्योंकि उनका बहुमत नहीं था इसलिए ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने निरस्त का कानून बनाया। अब उनका लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत हो गया है इसलिए ये काला कानून बना रहा। कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं था किसानी छोड़ के। आज औद्योगिक क्षेत्र खत्म है, रियल एस्टेट क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा है, छोटे व्यवसायी से लेके लोग जो हैं वो सब बेहाल हैं। ऐसे स्थिति में किसान ही एक था जो हमको इस महामारी में भी भोजन उपलब्ध कराया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश के 5-10 पूंजीपति सब विफल हो रहे हैं। सरकार का जीडीपी जो है वो 22-23-24% माइनस में है, ये तो सरकारी है लेकिन ये 30% से ज़्यादा है। तो यहाँ का पूंजीपति दुनिया का सबसे अमीर कैसे हो रहा है? और यही अकेला बचा हुआ किसानी का क्षेत्र था जिसका की दोहन करने के लिए पूंजीपति के फायदे के लिए ये कानून बनाया, क्योंकि मोदी के राज में कानून बना के स्कैम हो रहा है। नोटबंदी का स्कैम कानून बना के, इनका प्राइम मिनिस्टर केयर फंड कानून बना के, एक से नहीं जितने भी इनके यहाँ स्कैम चल रहे हैं ये कानून में संरक्षण दे करके पूंजीपतियों को बढ़ा रहे हैं। 2-3 आदमी बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि कभी कांग्रेस ही इस बिल को लाना चाहती थी और आज आप ही लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कभी कांग्रेस की जब सरकार थी तब ये बिल लाने वाली थी, उस समय ये बिल नहीं पारित हो पाया था? आज ये कानून कभी कांग्रेस के एजेंडा का पार्ट नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। ये मोदी जी का सोची समझी चाल है जो अपने 10 पूंजीपति भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए कर, इसी का तो जवाब मैं मांग रहा हूं कि सब चीज़ जब माइनस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग माइनस है, इम्पोर्ट जो है खाली प्लस में है क्योंकि बाहर से माल भेजने वाला जो है एक्सपोर्ट माइनस है, इंडस्ट्रियल माइनस में है, रोड बिल्डिंग चौराहा जितना माइनस में है सब कर, तो ये दो चार नेता कैसे, ये दो चार पूंजीपति कैसे जो है मोदी जी के संरक्षण में दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं? जैसा कि भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि आप लोग किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत बात है। लड़ाई कांग्रेस पार्टी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, ये सरकार किसानों के हाथ से शक्ति निकाल कर इन देश के पूंजीपतियों को देना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश में जो अनाज उसका मूल्य तय करेंगे पूंजीपति। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश का अनाज वही तय करे जो उसे उगा रहा है, अन्नदाता जो हमारे हैं। इसके समर्थन में पूरे देश में आज लड़ाई चल रही है, सांसद सड़क तक कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम कर रही है। और जहाँ तक भड़काने की बात हुई, इस देश की जनता अब जाग चुकी है, किसान जाग चुके, उन्हें पता है कि कौन इन्हें बरगला रहा है, कौन भड़का रहा है, कौन उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे लगता है कि इसके आने वाले दिन में जहाँ भी चुनाव होंगे, जहाँ भी समर्थन की बात, जन समर्थन की बात आएगी, जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। देखिए, ये जो इन्होंने कानून बनाया है, किसी भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने बात नहीं किया है। किसके दबाव में ये कानून बना है ये पूरा देश जान रहा है। ये कारपोरेट घराना को कृषि
क्षेत्र से भी फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने इस तरह का कानून को बनाया है। 1917 में बिहार में चंपारण में नील की खेती कर रहे किसानों का जो आंदोलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने पहली दफ़ा आंदोलन किया था, तो कांग्रेस पार्टी 1917 से किसानों के साथ है और आज भी किसानों के लिए सदन से लेकर के सड़क पे लड़ाई लड़ रही है। ये जिस तरह से इन लोगों ने कानून अनन फनन में बनाया है, ये कानून बिल्कुल ही किसान विरोधी है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और पूरे देश में विरोध कर रही है और सड़क पे उतर के कर रही है। आपने सदन में भी देखा होगा कि सदन के जो सदस्यगण थे उन लोगों ने बार बार उपसभापति से गुहार लगाते रहे कि आप इस पे जो है चर्चा कराएं, चर्चा कराने के बाद जो तरीका है उस पे वोटिंग करें, लेकिन इन्होंने वोटिंग इन लोगों ने नहीं कराया, अपने हठधर्मिता पे इस कानून को पास कराया है। कांग्रेस पार्टी इस कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इतना आंदोलन होगा कि अंततः इनको इस पे विचार करना पड़ेगा और अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने कैबिनेट के सहयोगियों को समझाएं कि ये बिल, ये कानून किसानों के हक में है। उनके खुद के कैबिनेट के सहयोगी ने इस्तीफा दिया, उनके 22 साल के उनके घटक एनडीए के साथी अकाली दल ने उनसे समर्थन वापस लिया। पहले तो वो अपने सहयोगियों को समझाएं कि ये कानून किसान के हित में है, और अभी प्रधानमंत्री जी देश को समझाने का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला नैतिक दायित्व ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति है, जो झूठ पे आधारित जो बातें हैं, उस बातों को जब उनके सहयोगी नहीं समझ सक रहे हैं तो देश की आवाम और देश के किसान क्या समझेंगे। ये कानून का विरोध का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, क्योंकि अब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कानून का रूप ले लिया है। लेकिन हम तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक इसमें की जो चीज़ें हैं, जो आपत्तियां हमने दर्ज की है MSP को लेके, भंडारण को लेके और मार्केट को लेके, तो ये सारी चीज़ों पर इस पर जब तक नहीं होगा, हम लोग का आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। अक्टूबर के पूरे माह में झारखंड से हम लोग 25 लाख किसानों का हस्ताक्षर करा के महामहिम को भेजेंगे कि ये काला कानून को वापस लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों के समर्थन में ये पूरी कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर खड़ी है और किसानों को समर्थन दे रही है। अब जानना ये है कि दुमका और बेरमो का उपचुनाव है, इसके बारे में क्या कहना है?